बरसात के मौसम में बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में हवा तूफान पहली बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति हुई, जिससे नगरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तत्काल में ही नगर पालिका परिषद बालाघाट के सीएमओ को अवगत करवाया गया है, जहां नाली की समस्या का उन्होंने तत्परता से नगर पालिका की पूरी टीम को साफ सफाई करवाई गई। नगर पालिका के सफाई कर्मियों की टीम युद्ध स्तर पर अपने काम में जुटी हुई है। बालाघाट नगर में सीएमओ द्वारा लगातार समस्त वार्डों में भ्रमण कर नगरवासियों को हो रही परेशानियों से जल्द ही राहत दिलाने का प्रयास करते नजर आए। सुबह से ही वार्ड क्रमांक 4, 5, 6 महिंद्रम कॉलोनी, लहरी नगर, सुषमा लेआउट एवं चित्रगुप्त नगर में विगत कई समय से जाम पड़े नालों की सफाई नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया द्वारा अपनी मौजूदगी में जेसीबी और नगर पालिका के स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा कराया गया। बालाघाट नगर पालिका सीएमओ द्वारा बारिश से पहले ही शहर में जाम पड़े नाले और नालियों की सफाई लगातार करवाई जा रही है। पर 4 और वार्ड नंबर 5 में सर्वेक्षण सुरक्षण के लिए का ये स्वच्छता चला जा रहा है, क्या कहना है सर आपका? क्या है कि कल जो हमारे शहर में बारिश हुई है और आंधी भी आई है, तो इससे क्या है कि काफ़ी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, पेड़ टूटे हैं और जो नाले साफ हो गए थे और पुनः जो गंदगी आ गई थी तो उससे फिर से नाले चौक होने की स्थिति हुई है। तो इसी कार्यक्रम में हमारी नगर पालिका की पूरी टीम सुबह और रात में पूरा लगी हुई है, जिससे कि हमारे नगरवासियों को कोई समस्या उत्पन्न न हो, किसी प्रकार का कोई जल भराव की समस्या पैदा ना हो। तो उसी तारतम्य में आप देख रहे हैं कि जैसे भी नगर पालिका के द्वारा पूर्व में सफाई की गई थी तो पानी से अभी फिर से जमा हो गया बलवा, तो उसको फिर से साफ किया जा रहा है। तो इसी तरह से वार्ड नंबर 4, 5 और वार्ड नंबर 24 अन्य वार्डों में भी मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है और सभी कहीं पर भी हम जल भराव नहीं होने देंगे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।